चबाने की बारात आती होगी, तुम अभी तक तैयार नहीं हो। अरे मेरी गलती नहीं है, इस चूड़ीदार ने मेरे टांगों को किडनैप कर लिया है। वो ऐसे नहीं होता, रुको। ओहो, ये चूड़ीदार इतना टाइट क्यों बनाते हैं? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चवन्नी भर का पिछवाड़ा है, किसी भी चूड़ीदार में फिट हो जाएगा। मतलब तुम्हारी मम्मी जी ने तुम्हें खिला खिला के तुम्हारी टोन तो बढ़ा दी है, लेकिन पीछे से तुम अभी तक पिछड़े हुए ही हो। लेकिन अच्छा हुआ ना तुमसे शादी हो गई, हम दोनों के पिछवाड़ों को मिला के अगर दो से डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज साइज का पिछवाड़ा मिल जाएगा। ओह थैंक गॉड। सुमित, तुमने कुर्ता उल्टा क्यों पहना है? उल्टा? ये फैशन है माया। बंदर को कपड़े पहनाने जैसा है। जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी। अपनी शादी में कैसे तैयार हुए थे तुम? मम्मी जी थी ना। 25 साल की उम्र में भी मम्मी जी तुम्हारे नाड़े बांधी थी क्या? 25 नहीं 24। माया मैं फिर से फंस गया यार, मुझे हेल्प करो यार। अच्छा सुमित, अपना दुपट्टा लेना भूलना मत, डांस के लिए काम आएगा। माया मुझे नहीं करना यार कोई डांस वांस। डांस नहीं करना? लेकिन सुमित मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। माया मैं जब भी डांस करता ना तो लोगों का ऐसा लगता है कि मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ डांस करोगे तो तुम मेरी चाबियां ढूंढ सकते हो। यार मुझे गुदगुदी हो रही है। कितने अनरोमांटिक हो तुम सुमित। तुमको पता है कि मुझे डांस करना पसंद नहीं है। और तुम्हें पता है कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तुमने मुझसे शादी क्यों की? बताओ। सोच रही हूं। अब माया मैं तुमसे माया क्या तुम मुझसे हे माया मैं तुमसे शादी माया कौआ टडा आगे आगे जीते तू प्रमोशन हो गया, वो बधाइयां यार। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ यार मैं तो कल ही दिल्ली के लिए वापस निकल रहा था लेकिन काम आ गया और फिर पता चला कि हमारे यार का पहला आर्टिकल स्पोर्ट्स मैगजीन में छप रहा है। आज मैगजीन में, कल तो टीवी पे छा जाएगा तू। हैं? ओ यार कुकड़ मंगाते हैं। मोंटी 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 आज रहने दे, माया आने वाली है। हाँ तो कोई बात नहीं, दो दो कुकड़ मंगा लेंगे, कितना खा लेगी तेरे गर्लफ्रेंड? अरे यार मैंने इतनी मुश्किल से मम्मी जी पापा जी या रजनीश को दफा किया है, अब तू आ टपका। क्या मम्मी पापा रजनीश मुंबई में है? मैंने उन्हें साकीना का भेजा है गेटवे ऑफ इंडिया देखने। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया तो कुलाबा में है मेरे भाई। जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक मेरा काम हो चुका होगा। कैसा काम? ओहो अच्छा अच्छा समझ गया, तू और तेरी गर्लफ्रेंड अकेले में अटरिया पे लोटन कबूतर रहे। बकवास ना कर यार। ओ यार अपने बेस्ट फ्रेंड से क्या शर्माना, बता ना। ओ बोल गुटर गुटर। मैं माया को आज प्रपोज करने वाला हूँ। सच्ची? वो तो क्या बोलेगी माया? वो बोलेगी मोंटी यहाँ पे क्या कर रहा है, चल ना तो निकल। कभी भी आती होगी। हाय मोंटी। हेलो। हाय सुमित। हाय हंस। जा रहा हूँ मेरे भाई, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखियो इस बात की ट्रीट अलग से लूंगा। अपन कौन सी बात? अरे छोड़ो ना उस भूखे को, मैं तुम इधर आके बैठो। ओके। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज मैं तुम्हारे साथ सोफे पे गुटर गुटर नहीं खेलने वाली। आज ओनली वॉन्ट टू टॉक, नो अदर शॉक। ओनली टॉक? ठीक है, तो बाद में हम पिक्चर देखने जाएंगे। ओके okay? हाँ वो हम बाद में देखने जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, ये स्पोर्ट्स मैगजीन, ये मार्केट में कल आएगी, पर मैं तुम्हारे लिए एक कॉपी पहले ले आया, देखो ना। मुझे खो खो के स्कोर्स देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद तुम्हें ये आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट हो। हाँ नया राइटर है, खूंखार लिखता है, और साथ में देखो फोटो भी है,
बिल्कुल इमरान हाशमी। ये इमरान हाशमी थोड़ी ना है, ये तो तुम हो। ओह माय गॉड, वाओ, ये कमला। मंडे को मैंने फैमिली को भी नहीं दिखाया, मैं पहले तुम्हें दिखाना चाहता था। वाओ, खेल खेल में बस सुमित वाले। सुमित, ओए सॉरी सॉरी सॉरी। पापा जी, अबे तुम लोगों का प्रोग्राम खत्म हो रहा है कि शुरू हो रहा है? अबे दरवाजा तो बंद कर लेते। पापा जी आप इतनी जल्दी वापस? अबे रूबियो चिंता मत कर, मैं है ना वो गैस पास करने की दवाई भूल गया था, वो लेने के लिए आओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देख क्या है ना, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये तेरी माँ है ना डॉली, ये कहती है कि बिकॉज ऑफ योर डकार मेरा दम घुटता है इन द कार। सुमित अंकल को बताओ ना। नहीं नहीं अभी नहीं। क्या हुआ भाई, बंबई में तेरे से भी पाव भाजी हजम नहीं हो रही क्या? देख ले तू भी। अंकल जी ये देखिए। अबे मेरे को ये इमरान हाशमी क्यों दिखा रही? अबे अबे ये तो तू है। अंकल जी सुमित का पहला लिखा हुआ आर्टिकल। पापा जी इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं। अबे पढ़ने तो दे, मेरा बेटा हर रोज थोड़ा ना छा जाता है। पापा जी मम्मी जी टैक्सी में वेट कर रही होंगी। अरे चिंता मत कर, वो है ना ड्राइवर को राजमा बनाना सिखा रही है। पापा जी प्लीज। एक मिनट, बचपन में क्रिकेट देखना ही एक ऐसा काम था जो मेरे पापा जी मेरे साथ करना चाहते थे। पापा जी पापा। एक मिनट, फिरोज शाह कोटला में इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जिसमें वेंगसरकर ने सेंचुरी मार के हमें जिताया, पहला गेम जिसके लिए पापा मुझे स्टेडियम ले गए। वैसे तो वो मुझसे कभी ज्यादा बात नहीं करते, पर उस दिन इतने खुश थे कि हम दोनों ने घंटों मैच के बारे में बात करी। मैं तुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, मतलब कि मैं इतना बुरा बाप था? पापा जी आप ना सिर्फ एक लाइन को पकड़ रहे हो। कौन सी लाइन पकड़ूं? और जसबीर जी चलो ना। अरे कैसे तू? मैं कब से टैक्सी में इंतजार कर रही हूँ, तुम यहाँ मैगजीन पढ़ रहे हो? अंकल जी सुमित का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा हूँ कि कितना वाहियात बाप था मैं। उन्होंने लिखा मैगजीन में? हाँ आंटी, स्पोर्ट्स मैगजीन का रिपोर्टर तो बनी गया, लेकिन देखे बहुत जल्द टीवी रिपोर्टर भी बन जाएगा। मेरा लाल, मेरा गोलू। ठीक ही है मम्मी जी, मैं हमेशा कहती हूँ ना ये पूरा गधा नहीं है। पढ़ क्या लिखा है तेरे आधे गधे ने? पापा जी आपने ये मुझे दे दो। यही उम्मीद रखता हूँ कि जैसे क्रिकेट का खेल मुझे और मेरे पापा को करीब लाया, वैसे ही खेल खेल में मेरे जीवन साथी को भी मेरे करीब ले आएगा। मेरी जीवन साथी जो मेरे साथ बैठ के ये कॉलम पढ़ रही है, माया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अबे ये किस टाइप की एंडिंग है? एंडिंग नहीं, शुरुआत करना चाहता हूँ। माया मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत ही अटपटे ढंग से हो रहा है, पर मैं तुमसे बस एक सिंपल सा सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ, क्या मुसीबत आ गई? सोनू, मोनू ने माया से शादी के लिए पूछा। और ना और... माया, मोनू बहुत अच्छा लड़का है, मोनू के लिए नहीं मेरे लिए तो हाँ कर दे, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगी, बहुत खुश रखूंगी। माया मेरा दिल जो है एक्सप्रेस भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है, कुछ तो बोलो। माया बोल बोल बोल। बधाइयां जी बधाइयां। अबे लड़की को प्रपोज करने का इससे घटिया तरीका मैंने आज तक नहीं देखा। बधाई हो भाई शादी और कॉलम दोनों के लिए। हाँ यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुनो मैं एक्साइटमेंट में माया को रिंग देना भूल गया। पापा जी को दे दे।
ये काम भी वही कर देंगे तेरी तरफ से। वैसे एक बात बताऊ, कमाल की लड़की है माया, तूने हमारी पूरी फैमिली के सामने उसे प्रपोज किया लेकिन देख फिर भी वो भागी नहीं। एक सेकेंड, वो मुझे कहीं ना तो नहीं कहना चाहती थी? मतलब? अबे तूने तो कहा पूरी फैमिली थी, पापा जी ने प्रपोज किया और माया ने मम्मी जी को हाँ कह दी। उसने कहीं दबाव में आके हाँ तो नहीं कर दिया? चल बावला ना बन। दबाव में मैंने भी उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया यार। अगर वो ना कहना भी चाहती होती तो कैसे कहती? पूरा पूरा गधा हूं मैं। हाँ वो तो दिख रहा है तू। सोच तो, वो मोर और मैं छुचुंदर। तू इस साइड से देख। अरे हाँ 100% छुचुंदर इस साइड से। वही तो, ना बात करने का तरीका, घोंचू जैसा हेयर कट और चाल में वही लड़कियों वाली लचक। भला वो मुझसे शादी क्यों करना चाहेगी? इस सवाल का तो सही में कोई जवाब नहीं मालूम। क्या करूं? एक बार फिर से प्रपोज करके ट्राई कर। हाय बेबी। सब कहाँ है? मम्मी जी शादी की शॉपिंग पे पैसे उड़ाने गई हैं। पापा जी और रजनीश उन्हें रोकने गए। तुम्हारी मम्मी जी कितनी क्यूट हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? तुम सचमुच में मुझसे शादी करना चाहती हो? ये क्या है? ये मेरे लिए है। हाँ वो एक्चुअली मैं कल देना भूल गया था तो ये। माया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम सचमुच में कितना ब्यूटीफुल है सुमित। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पर तुम ये शक्ल ध्यान से देख लो, ये छुचुंदर जैसी ही रहने वाली है। मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाऊंगा, पक्का तुम मुझसे ही शादी करना चाहती हो। डोंट बी सिली सुमित, आओ मैंने ना शादी की सारी प्लानिंग कर ली है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। प्लानिंग भी कर ली? पर मैंने तो कल ही प्रपोज किया है। मैं 12 साल की उम्र से शादी की प्लानिंग कर रही हूँ। पर हम तो 2 साल पहले मिले हैं। ये है गोल थीम हमारे शामियाने का। और यार ये धूमधाम वाली शादी के बारे में सोचती मेरा सर चकराने लगता है। ना जान ना पहचान, लोग जो है जमघट में पहुंच जाते बूफे खाने के लिए और फोटो खिंचाते 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 सबके साथ दूल्हा दुल्हन के जबड़े में दर्द हो जाता है। हेलो जी थैंक यू जी, अच्छा आप जी थैंक यू जी, आप थैंक यू। माया मैं सोच रहा हूँ कि हम ना छोटी सी शादी करते हैं, तुम मैं और बस कुछ क्लोज फ्रेंड्स। छोटी सी शादी? तुम्हें मुझसे शादी करनी है या शामियाने से? छोटी सी शादी कर सकते हैं। बस हो गया फैसला। मोमनर आ गए। हेलो स्वीटहार्ट। हाय सुमित, सॉरी शुड आई से हेलो सन इन लॉ? हेलो माया के मॉम डैड। मॉम ये देखिए। ओह माय गॉड इट्स मार्वेलस। इट इज ट्रूली इज। बट चलो अब हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी है। अरे भाई शादी का डेट भी तो फाइनल करना है। 5 स्टार्स में रिजर्वेशंस पक्का करना पड़ेगा। Absolutely. और मुझे सिर्फ बॉलरूम चाहिए, ओके जय? Absolutely, my love. Absolutely. बड़े लोगों के लिए बड़ा हॉल, बड़ी पार्टी। सुमित तुम्हें छोटी पार्टी चाहिए थी ना? डैड हम सिर्फ 600-700 लोगों को बुलाएंगे, दैट्स ऑल। 600-700 लोग? तुम्हें छोटी पार्टी चाहिए थी ना? मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ 10-20 लोग बुलाएं। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। सुमित हम शादी कर रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। माया मैं ज्यादा लोगों को अपनी शादी पे नहीं बुलाना चाहता। सुमित मैं 12 साल की उम्र से इस दिन की प्लानिंग कर रही हूँ। तुम 12 साल की उम्र में 600-700 लोगों को जानती थी? मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ लेकिन क्या तुम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते? शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है और मैं ये खुशी का दिन दुनिया के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सुमित प्लीज जानो मेरे लिए, प्लीज प्लीज। अच्छा
तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो ठीक है. तुम जानती हो माया, खट्टर्स की बेटी की शादी में उन्होंने फेरों के बाद 100 सफेद कबूतर उड़ाए थे. Wow, that's a great idea. You know what, mom? मैं भी यही सोच रही थी. Exactly, it is amazing. It is amazing. और ये देखिए, मैं yacht पे. After a cocktail party on the yacht. Definitely. ठीक है. और फिर गेस्ट के लिए ये गिफ्ट कैसी हैं? Beautiful. Nice. Very nice. Very very nice. अच्छा एक मिनट, I want to show you something else. Don't worry, son-in-law. अब बाकी की सारी decisions ये ladies ही लेंगी. आदत डाल लो. माया मुझे नहीं मिलना पंडित पंडित से, क्यों फोर्स कर रही हो? सुमित मॉम जिद कर रही है, उनके लिए ही सही. तुम्हारी मॉम भी पंडित. थैंक यू जानू, यू आर वंडरफुल. मैंने अग्री नहीं किया, उसे पानी वानी पिला के भेज देना. What's up, guys? So hot na aajkal. Myself, Pandit Brij Mohan Shastri, the original from Banaras. How do you do? आप पंडित जी हैं? हाँ चौकी नहीं चिल. हम पंडित कुछ वैसे किस्म की है. नमस्ते, मैं माया और ये सुमित. मेरी बातें इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे सभी यही करते हैं. जी सुमित तुम भी. अच्छा मॉम कह रही थी कि कुंडलियां मिलानी है. ओके बेटी, आप पहले गुड न्यूज सुनोगी कि बैड न्यूज? गुड न्यूज. ग्रेट. गुड न्यूज ये है कि आप दोनों की कुंडली हम ऑलरेडी मिला चुके हैं. हाँ? बिल्कुल परफेक्ट मैच है. बढ़िया. और बैड न्यूज? और बैड न्यूज ये है कि हम सिर्फ कुंडली के भरोसे शादी नहीं करवाते, दोनों के दिल मैचिंग होते हैं कि नहीं हम ये भी देखते हैं. लो ये. वाओ, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे ना. बैठो बैठो, अपना ही घर समझो. तो माया जी, आप सुमित से शादी क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि सुमित बहुत ही केयरिंग है. अच्छा, केयरिंग. और वो मेरी हर बात बहुत स्वीटली मान लेता है. मतलब इसका हुकुम ठोकता हूँ. और सुमित बहुत फनी भी है. जब भी इसके साथ होती हूँ बहुत खुश रहती हूँ. इनफैक्ट मैंने जब पहली बार इसे देखा था तब भी मुझे लगा था कि इसमें कुछ स्पेशल है. अति सुंदर. दैट इज सो कूल. उत्तम विचार है आपके. और आप महाशय, आप शादी क्यों कर रहे हैं? आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो. माया से आपने पूछा शादी क्यों करना चाहती हो और मुझसे पूछ रहे हो क्यों कर रहे हो, है ना? है ना? मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना. यही था ना आपका मतलब कि बंदर के सिर पे चमेली का तेल. सुमित तुम क्या बोले जा रहे हो? बंदर तेल क्यों लगा रहा है? यही तो कह रहे हो आप, बंदर तेल क्यों लगा रहा है. भाई तुझ जैसे लड़के को अगर इतनी हॉट लड़की मिल गई है तो चुपचाप शादी कर लेना. सवाल क्यों पूछ रहा है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि बंदर तुम माया से शादी क्यों कर रहे हो, अब क्यों करना चाहते हो? सब बताओ ना सीधे सीधे. ठीक ठाक है इसलिए. आप दोनों को शादी पक्का करनी है? ऑफ कोर्स. ठीक है, देखो शादी तो हम करवा देंगे लेकिन निभानी आप दोनों को पड़ेगी. और शादी तो लाइफ को बना भी सकती है और बिगाड़ भी. एनीवे अब हम चलते हैं, मुझे एक रॉक शो में जाना है. आप दोनों सोच के बताइए. ओके, थैंक यू सो मच पंडित जी. See you later, alligators. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चीख चीख के बता रहा हूं अपनी प्रॉब्लम. जब से शादी का प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, मैं अपने लाइफ में साइड हीरो बन गया हूं. मेरा ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करता है. ये सच नहीं है सुमित. तुम्हारा ओपिनियन मुझे बहुत मैटर करता है, इसलिए मैंने तुमसे 10 बार पूछा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं. लेकिन मुझे तो यहां पर सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना. सुमित तुम मुझे पक्का बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं?
हाँ लाइफ में कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना. कोई जबरदस्ती नहीं है. यू नो व्हाट, अपने मन में जो भी आए वही करो. हाँ हाँ वही करूंगा माया डार्लिंग. बंदर क्यों ना लगाए तेल. शादी करूं या ना करूं. Bombay.